हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत हो गई है और यहाँ से मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है। मैं वही डेली की तरह अपना कर रही हूँ एक्सरसाइज जो है डेली आधा घंटा देना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर लीजिए, आपका वेट लॉस ऐसे ही होना स्टार्ट हो जाए। फ्रेंड्स, मैंने जब से किया है ना, मुझे बहुत ही आराम और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये करके। तो यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह का जो है सारा काम निपट चुका है। नाश्ता पानी जो भी मेरे घर का होता है सब मैंने बना लिया है। बच्चा शांतनु चले गए स्कूल, देव का भी स्कूल 3 तारीख से खुलेगा। देव जो हैं सो रहे हैं, उनके पापा रेडी होके निकल गए हैं, आज वो चले गए हैं। उसके बाद जो है मैंने अपना स्टार्ट किया है और मैं एक टाइम प्रॉपर टाइम नहीं रखी हूँ किस टाइम करती हूँ। बस हाँ ये है कि 9 बजे तक मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ फ्रेंड, इस वजह से जो है मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और मेरा एकदम से जब भी जैसे कभी कभी जल्दी टाइम मिल जाता है तो जल्दी कर लेती हूँ, और कभी कभी इनके जाने के बाद टाइम मिलता है तब मैं करती हूँ, और योगा करने के बाद ही नहाती हूँ। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज जो है आप शाम को भी कर सकते हो। अगर दिन में टाइम नहीं मिल रहा है तो खाना खाने से 2 घंटे पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, और इसमें यही फ़ायदा है फ्रेंड्स कि आप एक्सरसाइज जो है शाम को भी कर सकते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और मेरी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई जो कि पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद एक्सरसाइज। उसके बाद मैं पीती हूँ नींबू पानी, जैसे कि फ्रेंड मैं हमेशा चेंज कर करके पीती हूँ, जीरा पानी, धनिया पानी, नींबू पानी, विनेगर पानी, कुछ भी। मुझे विनेगर पानी और नींबू पानी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसलिए मैं चेंज कर करके पीती रहती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाट, चना है, प्याज है और खीरा है, टमाटर है, सारी चीज़ें। और यही चना जो मैंने बनाया था इनके टिफ़िन में भी दिया है, तो जो इतना बचा लिया था अपने लिए और ये पूरा भर प्लेट है, तो ये मेरे लिए हो जाएगा नाश्ता। तो चलिए अब कर लेते हैं नाश्ता फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने अपने भाई को भी नाश्ता दे दिया है। देव अभी सो रहे हैं तो देव को अभी टाइम लगेगा उठने में, तो तब तक मैं अपना नाश्ता कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे चबा चबा के आराम से 32 बार का फॉलो करते हुए यहाँ पे अपने नाश्ते को कंप्लीट करूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो है सारा घर का काम हो गया है, देव अभी उठ गए हैं और हम लोग रेडी होके जा रहे हैं हॉस्पिटल। फ्रेंड्स, मेरे भाई का कुछ दिखाना था, यहाँ में होम्योपैथिक का दवा का हॉस्पिटल है और मुझे भी डिस्पेंसरी जानी थी, तो मैंने कहा चलो दोनों काम करके आते हैं। तो चलिए हम निकलते हैं, दोनों काम जो है निपटा के फिर आते हैं, उसके बाद जो है खाना पीना बनाएंगे फ्रेंड्स। और आज फ्रेंड्स मौसम बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे मौसम ना बारिश सा हो रखा है, लेकिन पसीना उमस जैसा हो गया, जो होता है नेक्स ऐसे लगता है कि हाँ अगर बारिश होगी, लेकिन हो नहीं रही है। तो यहाँ भी सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश हुई है, उसके बाद जो है मौसम ऐसे हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी धूप नहीं हुआ है, बहुत सुंदर समय मौसम है और अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा चलो ये काम भी निपटा के आते हैं। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इधर मेरा भाई रेडी है, देवा भी रेडी है। देवा हेलो कर दो, देवा हेलो कर दो। चलो चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल, और देवा की देखिए यहाँ भी मस्ती जो है स्टार्ट है, दोनों हेलमेट लेके और यहाँ पे कर रहा है मस्ती। और ये है जो दिल्ली सरकार की तरफ से हॉस्पिटल है ना, वहाँ होम्योपैथिक का है, और इसको होम्योपैथिक दवा लेनी थी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से है, और अभी यहाँ पे काम चल रहा है, काफ़ी तोड़फोड़ हो रखी है ना, तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और बीच में एक आम का पेड़ था, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाई कि देखिए यहाँ बीच में ही एक आम का पेड़ लगा रखे थे। तो चलिए फ्रेंड्स ले लेते हैं दवा, फिर आप लोगों से हम मिलते हैं घर पर। तो बाय फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गई हूँ मैं डिस्पेंसरी, क्योंकि मुझे भी कुछ दवा लेनी थी। और ये देखिए 2 पीकॉक एकदम बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे भी ले लिया और एकदम घूमते रहते हैं ऐसे ही। ये जेएनयू के अंदर का नज़ारा है फ्रेंड्स, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों पीकॉक जो है यहाँ पे घूम रहे थे। उसके बाद कल से घर, और मैं अभी जो है यहाँ पे निकाल रही हूँ अपना खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड्स।
और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स मैंने भिंडी कट करके पहले से ही रख लिया है, तो भिंडी बनाऊंगी और उसके बाद जो है दाल बनाऊंगी, चावल और रोटी। और उसके बाद फ्रेंड्स अपने लिए मैं बनाऊंगी आज दलिया। दलिया आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी कि दलिया मैं कैसे बनाती हूँ वेट लॉस में, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो चलिए खाना बनाते हैं। और दवाई हम दोनों के लिए लेना था तो दोनों को लेके आ गई, वो काफ़ी दिन से परेशान था। और यहाँ पे होम्योपैथिक दवाई ना फ्रेंड्स बहुत अच्छा मिलता है, और जो है इसी वजह से मैं उसको ले गई थी। और उसके उसकी जो बीमारी है ना उसमें होम्योपैथिक दवाई ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा चलो आए हो तो तुमको यहाँ पे अच्छे से दिखा के और तुम्हारा लंबा ट्रीटमेंट करा देते हैं तो ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उसको दिखा के ले आई, फिर मुझे भी जाना था डिस्पेंसरी, मैं भी गई लेके आई। और अभी जो है किचन के काम वगैरह समेट लेते हैं, फटाफट बर्तन वगैरह सूख गए हैं। तो पहले मेरा किचन फैला फैला रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है। किचन को पहले मैं ठीक करूँगी, उसके बाद जो है यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी अपनी सासू माँ को फ़ोन, मम्मी से बातें करते करते काम कर लूँगी। और फ्रेंड्स देखिए मैंने जो है यहाँ पे ना ये जो छाछ बनाया है ये दिखा रही हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स ये वही छाछ है जब मैं दही डाल के रख देती हूँ ना तो ये ऐसे हो जाता है, उसको जब उससे मथनी से ये वही छाछ है जब निकाल के रख देती हूँ तो ऐसे हो जाता है। अभी मैंने फ्रिज में से निकाल दिया है, इसको हम लोग ले लेंगे और बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल भी वो नहीं लगता। और यहाँ पे ना घी भी हो गया था तो इसको भी जो है डब्बे में रखना है मुझे, तो अभी जो है इसको थोड़ा सा गर्म करूंगी और गर्म करके जो है रख देती हूँ डब्बे में। और इतना घी निकला है बहुत ही अच्छा हो जाता है, इस ऐसे करके निकालती हूँ ना। तो फिर से यहाँ पे देखिए घी बन गया है और बहुत सुंदर घी बनता है, दानेदार एकदम, बहुत ही बढ़िया घी बना है और पूरा इतना निकला है। ये 15 दिन की मलाई होती है मेरी और एक डब्बा जो है यहाँ पर भर गया है पूरा। और इसी में मैं पराठे वगैरह ना इन लोगों के लिए इसी में बनाती हूँ। और ये जो है ना ये धीरे धीरे मैंने रख दिया, इसमें जो भी होगा निकल जाएगा इसको, उसके बाद बाहर इसको डाल देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बना रही हूँ दलिया, और ये मिक्स दलिया है, बाजरा गेहूँ के जो होता है वो, हरी मूंग, इसमें सारी चीज़ें जो है दाल, हरी मूंग की दाल है, ये सारी चीज़ें होती है। और इस ये दलिया बहुत हेल्दी होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है और इससे भूख वगैरह काफ़ी देर तक नहीं लगती, और उसके बाद ये ताकतवर भी होता है। और इसमें थोड़ा सा टमाटर और गोभी मेरे पास था, बीन्स वगैरह जो भी होता है वो डाल दीजिए, मेरे पास थोड़े से मटर थे तो मैंने मटर भी डाल दिए। और सारी चीज़ें डाल के बस हल्दी नमक डाल के ये दलिया मैंने बनाया है। और यकीन मानिए अगर आपको टेस्ट कराना होता तो आपको पता चलता, बहुत टेस्टी बना। इन लोगों के लिए मैंने दाल और भिंडी की भुजिया, चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें बनाई है, अपने लिए ये बनाया फ्रेंड्स। तो चलिए इस दलिया को बना के फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी थाली लग चुकी है, और ये देखिए मेरी खाने की थाली कैसी लग रही है। और यहाँ पे है छाछ, वही वाला छाछ है, मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। ये है दलिया जिसमें सारी सब्जियों को डाल के बनाया है, भिंडी की सब्जी लिया है और यहाँ पे लिया है खीरा। तो यहाँ पे देखिए भिंडी की सब्जी और ये है खीरा, और खीरा कुछ अलग तरीके से आज काटा है मैंने। फ्रेंड्स खाना यहाँ लेके आए तो चलिए चला रहा है, गर्मी बहुत है, रोटी बनाते बनाते पसीना हो गया एकदम से। तो ये लोग रोटी खा रहे हैं, चावल भी बनाई हूँ लेकिन मैं अपने लिए यही बनाई हूँ फ्रेंड्स। और वहाँ पे ना टीवी चलते चलते पता नहीं चलता है, आदमी ज़्यादा खाना खा लेता है, इस वजह से मैं इधर ही बैठती हूँ बेडरूम में। जब टीवी नहीं चलाते सब ना तो फिर उधर बैठ जाते हैं फिर, लेकिन अभी जो है देवा चला रहा है, खाना खा रहा है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ खाऊंगी। और फ्रेंड्स योग दिवस पे आप लोग एक संकल्प ले लीजिए कि आज से आप लोगों का वेट कम करना है, और आप जरूर योग, अगर वेट नहीं भी कम करना है तो फ्रेंड्स आधा घंटा योग करने में कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, करना चाहिए, योग से हमें फ़ायदा ही होता है फ्रेंड्स। और 30+ के बाद तो एकदम ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए फ्रेंड्स, सबके सबको ज़रूरी है योग, तो बच्चे के लिए भी फायदेमंद है। और फ्रेंड्स हम लोग इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों से शेयर करते हैं कि आप कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हो। फ्रेंड्स सुबह सुबह उठ के ना कभी भी फ्रिज का पानी कई लोग पी लेते हैं फ्रेंड्स, फ्रिज का पानी नहीं पीना एकदम से, ठंडा ठंडा पानी पीने से क्या होता है हमारी बॉडी होती है गर्म और हम पी लेते हैं ठंडा पानी, तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल पानी पीजिए, आप गुनगुना नहीं पी सकते हैं तो नॉर्मल पानी पीजिए, वैसे गुनगुना पीने से पेट लॉस ज़्यादा होता है। और सुबह सुबह उठ के गुनगुना पानी पीने से फ्रेंड्स ना जो हमारा सलाइवा बनता है, लार बनती है, वो जब अंदर जाता है ना तो हमारे
बॉडी को बहुत ही ज़्यादा वो फ़ायदा करता है जो सुबह का होता है। तो इस वजह से जो है सुबह का ज़रूर आप ऐसा करिए, गुनगुने पानी से अपनी सुबह की शुरुआत करिए फ्रेंड्स। और पानी खैर दिन में बहुत पीते हैं, और पानी इकट्ठे ऐसे लोग बोतल लेके गुटगट करके पीते हैं फ्रेंड्स, ऐसे नहीं बिल्कुल भी पीना है। हमेशा गिलास में लेके और सिप सिप करके घुट से ही आपको पानी पीना है, तभी आपको फ़ायदा करेगा फ्रेंड्स। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपका वेट लॉस क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। और मतलब खाते पीते होगा, ये भी नहीं है सब कुछ खा पी के दलिया चावल रोटी जो भी खाना है, थोड़ा सा बस खाने पे अपना ध्यान दीजिए और आपका एकदम से वेट लॉस होगा फ्रेंड्स। हम भी यही सब चीज़ें करके अपना वेट लॉस किए हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी से हम आज इतना जो है अपना वेट कम कर चुके हैं। और फ्रेंड्स अभी क्या है, पेट के लिए लगे हैं और पेट भी मेरा काफ़ी हद तक कम हो गया है योग से और एक्सरसाइज से जो भी हम करते हैं, और इसीलिए आप लोगों से ये सब चीज़ें हम फ्रेंड्स शेयर करते हैं। तो सुबह की शुरुआत ही आपको जो है पानी से करना है फ्रेंड्स। आप वो भी ले सकते हैं धनिया पानी, जीरा पानी, सौंफ पानी, और सारी चीज़ें आप हफ्ते में एक दिन लीजिए, हमेशा चेंज करिए। आपने मेरा भी देखा होगा, मैं एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ, फिर नींबू का रस लेती हूँ, कभी जीरा पानी लेती हूँ, मैं एक चीज़ कभी नहीं लेती हूँ। अलग अलग चीज़ें आपको हफ्ते में चेंज करनी, और एक बॉटल अगर आप एप्पल साइडर विनेगर ले लें तो उसको फिर आप एक महीने दो महीने के लिए रोक दीजिए, एकदम लगातार नहीं पीना है आपको। तो ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में रूटीन में शामिल करना है फ्रेंड्स, और उसके बाद देखिए आपका एकदम रूटीन अच्छे से और बढ़िया से चलेगा। तो चलिए मैं बातों बातों में, मेरा खाना हो गया ठंडा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लंच कर लेते हैं। और मैं ना खीरे के साथ में दलिया खाऊंगी, क्योंकि चावल हो या दलिया हो ये सब चीज़ें आप चबा के नहीं खा सकते, तो खीरे के साथ में खाऊंगी ना, तो मैं फिर आराम से इसको चबा चबा के, देखिए आराम से ही खा रही हूँ एकदम से। खाने को चबा के खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। और उसके बाद एक घंटे के बाद मैं ले लेती हूँ ग्रीन टी। अच्छा, खाना खाने के तुरंत बाद जो है बैठना भी नहीं है, तो मैं कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ, जैसे कई वीडियो में आप लोगों को दिखा चुके हैं फ्रेंड्स। तो उसके खाने के एक घंटे बाद ग्रीन टी भी लेना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।